महिलाओं के ऊपर इस तरह का फिजिकल टॉर्चर तो किसी भी तरह से एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और उसकी तो जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, और जिसने भी किया है उसके खिलाफ तुरंत इमीडिएट कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। उस पर हमें जजमेंटल इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, मतलब क्या सिचुएशन रही कि इस तरह की नौबत आ गई हमें नहीं पता है, इसलिए हम किसी एक को बिल्कुल कंडेम कर दें और दूसरे को बिल्कुल ही निर्दोष बता दें, ये भी उचित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में है जो हमें नहीं पता है, अवधेश जी को मालूम होंगी, मुझे उतनी जानकारी अंदर की नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है वो निंदनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक केजरीवाल जी के जेल से आने के बाद एक माहौल बनाने की बात थी, फिर इस मामले की वजह से सारा अटेंशन डिफ्लेक्ट हो गया, जरूर सही है कि अटेंशन डिफ्लेक्ट हो गया है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रचार या बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिक मसला नहीं बनाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि बनेगा भी। नुकसान थोड़ा नुकसान इस सेंस में हुआ कि एक आध दो दिन ये मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से चलेगा, और जो चर्चा बहुत ज़ोर शोर से केजरीवाल जब आए तो शुरू हो गई थी कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को हटाने के लिए मैं जेल से आया हूँ और अब ये सारा कुछ देश के लिए मैं काम करूँगा, वो ज़रूर कुछ दिन के लिए डिफ्लेक्ट हो गया है उधर से। और केजरीवाल जी के बारे में एक लग रहा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने कहावत एक कही थी कि भौकाल टाइट है, तो एक दूसरी कहावत भी है, सरमुड़ आते ही ओले पड़े, पहले बहुत लंबा टाइम बेचारे जेल में रहे, उसके बाद निकलते ही जैसे ही उन्होंने शुरू किया ताल ठोकना तो ये मसला हो गया। अब इस मसले की वजह से कुछ दिनों तक तो उनको जवाब देते नहीं बनेगा, पब्लिक में उतनी ज़्यादा मजबूती के साथ वो दो दिन से हम देख रहे हैं कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए तो उनको सन्नाटा सूंघ जरूर गया है, और इसका उनको हो सकता है फौरी नुकसान हो जाए, बट पॉलिटिकल बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है भी नहीं। इसमें कुछ वजहें होंगी, पर्सनल वजहें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो सब अपनी जगह ठीक है, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजनीतिक खेल में ये सारी चीज़ें हमने देखा है, खास करके इंडियन पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती हैं। अगर करती होती तो बहुत सारे नेता हमारे हैं और बहुत सारे नेता थे बड़े स्टेचर वाले जिनके कि पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता रहता था, वो कभी मसला बनता नहीं था, मुद्दा नहीं बनता था, और उसकी वजह से उनको कोई नुकसान भी नहीं होता था। नाम नहीं लेना चाहिए इन सब बातों में, लेकिन बड़े बड़े नामी लोग पर्सनल लाइफ में कुछ थे और उनकी पब्लिक लाइफ दूसरी ही थी बिल्कुल, तो ये टिकती नहीं है चीज़ें हमारे यहाँ राजनीति में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।